डियर स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो, है ना। तो हम लोग जो है माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस करेंगे। आसान सा टॉपिक है बट बहुत अच्छे वे से करेंगे ताकि आपके माइंड में जो है अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाए, है ना। तो जैसे हम लोग माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो में क्या होगा, माइक्रो का जो मीनिंग है वो आपको पता है छोटे लेवल पे होता है, मतलब आप स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हो। डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल फर्म मतलब सिर्फ एक फर्म के अकॉर्डिंग, एक एक फर्म के अकॉर्डिंग जो डिसीजन लिया जाता है वो किस में आएगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स चॉइस, जो फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करते हैं इंडिविजुअल मतलब एक एक पर्सन की चॉइस को। लेबर इकोनॉमिक्स है इसमें, डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक एक हाउस होल्ड के अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करते हैं। हाउ डिमांड एंड प्राइस आर डिटर्मिनेट इन इंडिविजुअल मार्केट, मतलब इसमें मेनली अगर बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल फर्म्स है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल मार्केट है, तो सभी की पर्टिकुलर मतलब एक एक की स्टडी की जाती है, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन करवा देती हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अदर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स मर्ज फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि इसमें कौन से बिहेवियर की बात की गई है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी की, सच एज हाउस होल्ड फर्म एंड मार्केट, मतलब इसमें एक हाउस होल्ड है, फर्म है, एक एक को लेके पर्टिकुलर इसमें क्या है स्टडी की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ऑल्सो कॉल प्राइस थ्योरी, इसे हम लोग प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, बिकॉज इट एक्सप्लेन हाउ वेरियस प्राइस आर डिटर्मिनेट इन मार्केट, मतलब कि प्राइस का जो प्राइस है वो किस तरह से डिटर्मिनेट होता है, कितना प्राइस रखना चाहिए, कोई भी कमोडिटी है तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए मार्केट में, है ना। तो इसलिए जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरी डील विद डिमांड एंड सप्लाई, इसमें जो है मेनली किसकी बात की जाती है, डिमांड एंड सप्लाई की, एंड देयर इंटरेक्शन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। अब एक बात याद रखिएगा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा गया था, उन्होंने डेफिनेशन भी पूछी थी प्लस जो प्राइस थ्योरी है इसके बारे में भी पूछा था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि एक एक लाइन पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट जहाँ पे कर रही हूँ वहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आसान टॉपिक है बट फिर भी कई बार क्या होता है कि हम लोग नहीं आंसर दे पाते, तो जो आसान होता है ना वहाँ पर ध्यान भी देना उतना ही ज़रूरी होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग क्या यूज़ करते हो, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इनपुट प्राइसिंग, सोशल वेलफेयर भी किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सोशल वेलफेयर है वो किस में आएगा, मैक्रो या माइक्रो में, तो काफ़ी स्टूडेंट हो गए थे कि भाई सोशल वेलफेयर की बात हो रही है, होल की बात हो रही है, बट एक्चुअल में ये किसका कंसेप्ट है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या क्या आएगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है। इनपुट प्राइस की बात करें तो इनपुट प्राइस में रेंट, वेज एंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट आएगा, और सोशल वेलफेयर जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम रेंट के बारे में, वेज के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, है ना, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, कंज्यूमर डिमांड है, तो ये किसका पार्ट है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो ये वाली जो चार्ट है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक होल लेवल पे जो आप लोग स्टडी करते हो उसे क्या बोलते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट सच एज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एसेट्रा, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है। तो इसमें क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, दैट कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट सच एज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब लार्ज वॉल्यूम में मतलब होल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को देखा जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग देखी जाएगी मतलब टोटल अमाउंट, इन्वेस्टमेंट को देखा जाएगा, नेशनल इनकम एसेट्रा जो है वो किसका पार्ट है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, या हम बात कर लेते हैं कि स्कोप की, है ना।
तो यहाँ पे आपको मेनली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अक्सर क्या है कि बच्चे भूल जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की स्टडी हम कौन सी बुक में करते हैं, मैक्रो में करते हैं या माइक्रो में करते हैं। नेशनल इनकम तो चलो आपको याद रहता है, बट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा हो ही जाती है ना। तो प्राइस थ्योरी किस में आएगा? माइक्रो में आएगा। एम्प्लॉयमेंट किस में आएगा? मैक्रो में आएगा। ठीक है, तो पिछला पेपर आप देख सकते हो, है ना, पीजीटी इकोनॉमिक्स का, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देन माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वाइन फिनोमिना, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें नेशनल इनकम की बात की जाती है, नेशनल आउटपुट की बात की जाती है, बिग पिक्चर है ना, बड़े लेवल पे हम बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में रीड आउट किया जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, मतलब इसमें होल लेवल पे स्टडी की जाती है। इंक्लूड नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स कंस्ट्रक्ट विद माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है ना, क्योंकि ये छोटे लेवल पे है और ये होल लेवल पे है, तो होल में पार्ट इंक्लूड होते हैं। देन उसके बाद स्कोप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे मैं एक चार्ट है जिसमें आपको डिफरेंस अच्छे से करवाऊंगी, पहले हम स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप में क्या होगा? स्कोप की बात करें तो इसमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। थ्योरी में कौन कौन सी थ्योरी आ रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल। देन पॉलिसीज में क्या आएगा? फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी। तो मैंने आपको जो है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम है, थ्योरी ऑफ मनी है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो, एंड इंटरनेशनल ट्रेड मैंने अभी शुरू किया है वो भी करवा दूंगी, एम्प्लॉयमेंट भी हो गया, जर्नल प्राइस लेवल भी हो गया, तो ये सब मैंने करवा रखा है कंप्लीट। तो अगर आपने कंप्लीट क्लासेस ज्वाइन करनी हो, अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, देन आप कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर एंड ग्रुप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। ओके, देन इसके बाद हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या रीड आउट करते हैं? नेशनल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP, कंजम्पशन भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिमांड एंड सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, देन उसके बाद नेट एक्सपोर्ट X-M, है ना। तो ये सब किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो है ट्रेड साइकिल एनालिसिस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनाइज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का जो इम्पैक्ट है उसको रीड आउट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैसिलेट मटेरियल वेलफेयर, रेगुलेट इकोनॉमिक सिस्टम, रीसॉल्व इकोनॉमिक इशू एंड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, इन सब के लिए जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देन लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन एक बार आप थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा यहाँ पे, कि इसमें क्या होता है कि टू मच जनरलाइजेशन, बड़े लेवल पे जनरलाइजेशन की जाती है तो बहुत ये फैल जाता है काम। निगलेक्ट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, जो एक एक पर्सन की हम लोग स्टडी करते हैं उसको तो इग्नोर ही कर देते हैं ना, क्योंकि होल लेवल पे देखा जाएगा इसमें। अननेसेसरी एग्रीगेट वेरिएबल, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी किया जाता है तो ये भी अननेसेसरी हो जाता है ना, काफ़ी स्टैटिकल कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसको एनालिसिस करना, काफ़ी फैलसी ऑफ डिडक्टिव इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस है ना, तो इसमें फैलसी की प्रॉब्लम, मिसलीडिंग है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, है ना। देन डिफरेंस की बात कर लेते हैं जो कि आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन पे चलते हैं सबसे पहले। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी की जाती है, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द इकोनॉमी एज ए होल एंड नॉट ए सिंगल यूनिट बट कम्बिनेशन ऑफ ऑल, है ना। तो प्लीज़ आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है आज के लेक्चर को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम जितना आप शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, है ना। कंसर्न की बात करें तो ये पर्टिकुलर हाउस होल्ड के साथ, फॉर्म के साथ और इंडस्ट्रीज के साथ कंसर्न करता है। एंड मैक्रो में क्या होता है कि नेशनल इनकम आएगा, जर्नल प्राइस लेवल आएगा, नेशनल आउटपुट। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑन डिमांड साइड इज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, व्हेयर ऑन द सप्लाई साइड इज टू मिनिमाइज प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट एंड
अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टडी जो है की जाएगी। बेसिक की बात करें तो प्राइस मैकेनिज्म विच ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, नेशनल इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विच आर डिटर्मिनेट बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मतलब कि जो भी आप नेशनल इनकम है, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, अगर उसका डिटर्मिनेट करते हो तो आप होल लेवल पे डिमांड एंड सप्लाई को देखते हो। देन अजम्पशन की बात करें तो रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स का बिहेवियर है वो क्या रहने वाला है, रैशनल रहने वाला है। एंड सेकंड मैक्रो में बात करें तो एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, द ऑब्जेक्ट टू विच इट्स रिसोर्स आर एम्प्लॉयड। लिमिटेशन की बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इसमें जो है ये माना जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा और इसमें क्या होगा कि अनवोलमेंट ऑफ फैलसी ऑफ कंपोजिशन विच डज नॉट प्रूव ट्रू, है ना। तो इसमें फैलसी भी पाई जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये क्या है कि इसमें जो है लिमिटेशंस भी है, है ना। तो ये हमारी जो है डिफरेंस हमने कर लिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और प्लीज़ सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैंने आपको बोला था कि मैं करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट पे कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, तो वो मैं आपको करवाऊंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।